क्या नील छोड़ देंगे ये दुनिया, क्या नील के चले जाने से हो जाएंगे अक्षरा और अभिमन्यु अलग। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ शिल्पी और आपने लॉग इन किया है फिल्मी बीट। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नए नए शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। अभिमन्यु के भाई नील की हो जाएगी डेथ और अक्षरा से नाराज अभिमन्यु छोड़ देंगे अक्षरा का साथ। आज के एपिसोड में आपने देखा कि कैसे अक्षरा के सामने नील के नाजायज होने की सच्चाई सामने आ गई है। आरोही को अक्षरा की खुशी कभी बर्दाश्त ही कहाँ हुई है, जिसके चलते वो अक्षरा की जिंदगी में एक और तूफान ले आई है। जहाँ पूरा परिवार बिरला हॉस्पिटल का फाउंडर डे मना रहा है, हर्षवर्धन बिरला अपने हॉस्पिटल की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अक्षरा के मायके वालों को भी इनवाइट किया गया है, जहाँ हर्षवर्धन अपने हॉस्पिटल की नई नई फैसिलिटीज के बारे में बताते हैं। लेकिन ये कहाँ पता था कि इससे उन्हीं के घर में आ जाएगा तूफान। आरोही के हाथ वो डीएनए की रिपोर्ट्स लग गई हैं, जिसमें लिखा है कि नील हर्षवर्धन और मंजरी का नाजायज औलाद है। आरोही ये बात अक्षरा को जाकर बता देंगी और अक्षरा रिपोर्ट्स देखकर हैरान रह जाती हैं और वो ये बात अपनी सास मंजरी को बताती हैं कि मुझे सच का पता लग गया है, जो सच आप मुझसे छुपा रही थी माँ, मैं वो सच अब जान चुकी हूँ। वहीं आने वाले एपिसोड्स धमाकेदार होने वाले हैं, जहाँ आरोही की चाल से नील के हाथ वो रिपोर्ट लग जाएगी और नील सबके सामने कहने लगते हैं कि वो हर्षवर्धन के सौतेले बेटे नहीं है। नील बहुत रोएगा और बहुत परेशान हो जाएगा, जिसे देख अभिमन्यु भी काफी परेशान दिखेगा। इसी बीच मंजरी को आ जाएंगे चक्कर और वो चली जाएंगे हॉस्पिटल, जहां पूरा परिवार मंजरी के साथ हॉस्पिटल चला जाएगा। उसी बीच नील पार्टी छोड़कर वहां से चला जाएगा, जहां अभिमन्यु भी उसको ढूंढते ढूंढते पहुंचेंगे। लेकिन अफसोस, नील एक कार के सामने आ जाएगा और हो जाएगा नील के साथ एक हादसा, जिसमें नील की मौत हो जाएगी और अभिमन्यु नील कहते कहते चिल्लाते रह जाएंगे। शॉकिंग तो ये होने वाला है कि इन सब का कसूरवार अभिमन्यु अक्षरा को मारेगा और उससे दूर चले जाने को कहेगा, जिससे अक्षरा काफी परेशान हो जाएंगी और रोती दिखेंगी। दरअसल आरोही अपनी चाल में कामयाब होती दिख रही हैं और वो यह भी साबित करने की कोशिश करेंगी कि सबकी जिम्मेदार अक्षरा ही है। अभिमन्यु अक्षरा को जिम्मेदार ठहराएगा और अक्षरा से कहेगा मुझसे हमेशा के लिए दूर चले जाओ, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अक्षरा के ही बताने पर नील को ये सच्चाई पता लगी और नील वहाँ से चले गए। वो अक्षरा से कहेगा कि तुम्हारी वजह से नील गया और उसके साथ वो हादसा हो गया, जिससे परेशान अक्षरा अभिमन्यु को समझाती दिखेंगी। लेकिन अभिमन्यु अक्षरा की बात नहीं सुनेगा। अब आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आरोही की चाल हो जाएगी कामयाब, क्या अभिमन्यु और अक्षरा का टूट जाएगा रिश्ता। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिल्मी बीट। अगर आप ही हमारा वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें।